नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली इस खास अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आएगा और वो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू कर देंगे, यानी दाखिला कब तक आपका विश्वविद्यालय में हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ कोचिंग संस्थान के बारे में जो आपके यूपीएससी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेहतर है। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं कि बीएचयू से यूपीएससी और इलाहाबाद से यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इलाहाबाद बीएचयू में कौन सा यूपीएससी के लिए बेस्ट है। आप कमेंट से बताइएगा कि आपको ऐसे टॉपिक वीडियो चाहिए। सो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 29 तारीख यानी कल के दिन इलाहाबाद पीजी का पेपर होने जा रहा है। पीजी में कुछ कोर्सेज हैं जो कि 29 तारीख को कल होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम। 30 तारीख को इनका लास्ट पेपर है एलएलबी का। 30 तारीख के बाद 2021 विश्वविद्यालय इलाहाबाद दाखिला की जो प्रक्रिया है फाइनली खत्म हो जाएगी, यानी जो पेपर है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद अपना पेपर खुद कराया है। सबको पता है बीएचयू ने अपना एनटीए से करवाया लेकिन इलाहाबाद अपना खुद कराया है, तो इनका खुद के डिपेंडेंट है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एज पर कमिटमेंट, क्योंकि इन्होंने पहले से कमिटमेंट कर रखी है कि हम एंड ऑफ द नवंबर तक रिजल्ट दे देंगे। तो मेरे को पूरी संभावनाएं है, ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद जो है वो एंड ऑफ द नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेगा और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या मिड ऑफ दिसंबर तक अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो ये रही आज का अपडेट जो इलाहाबाद से रिलेटेड है। और इलाहाबाद अब लास्ट है कि यूपीएससी वाली बात जो मैंने बोला था, देखो यूपीएससी के लिए या वन डे एग्जाम के लिए या फिर यूपीपीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए जो एक कोचिंग माहौल है वो इलाहाबाद ज्यादा प्रॉपर देता है। इलाहाबाद जो सिटी है, जो शहर है, वहां पे ऐसी कोचिंगें जो है वो ज्यादा रन करती हैं। बीएचयू जो है यानी जो बनारस में जो स्थित विश्वविद्यालय है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी टाइप का एक माइंडसेट बन जाता है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोचिंग की थोड़ी सी लैक है, थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ा गैप मिल जाता है। फिर भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्टडी वाला कैंपस का, मैं कभी आपको बताऊंगा कि लोग यहाँ की यूपीएससी कैसे कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से लड़का कुछ कर सकता है। इलाहाबाद में वो बच्चे जरूर जा सकते हैं जो ओनली इलाहाबाद में ही स्टडी करना चाहते हैं। जैसे होता है ना माइंड सेट, जैसे किसी का माइंड सेट है मुझे तो कुछ भी हो जाए, बीएचयू इज माई ड्रीम, मुझे बीएचयू में जाना है, उसी तरीके से जिसका ये माइंड सेट है माई इलाहाबाद इज माई ड्रीम, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। इलाहाबाद में कोचिंग संस्थान ज्यादा मिल जाएंगी, अच्छी कोचिंग मिल जाएंगी, इसलिए आप इलाहाबाद प्रीफर कर सकते हो। आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद और बीएचयू में बाय द फैक्ट्स कौन सा बेस्ट है यूपीएससी के लिए, और उसके बाद एक बीएचयू से यूपीएससी और इलाहाबाद से यूपीएससी का सफर जो है वो कैसे तय की जाती है, उस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बीएचयू पाठशाला फाइनली अपना 40,000 सब्सक्राइबर का जो एक टीम है, जो एक परिवार है, वो कंप्लीट कर चुका होगा, मुश्किल से चंद घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जरूर चेक करिएगा हो गया कि नहीं, और इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप 40,000 का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम लोग आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टॉप स्टॉक, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज, ये तमाम चीजें आपको इस चैनल पर मिलता रहे, ठीक है। ओके, मुस्कुराते रहिए, हर महादेव जैसे कृष्ण आते रहते हैं।